बुधवार से टाउनशिप की लीजधारियों की लीज डीड का पंजीयन शुरू हो गया है। कांग्रेस ने कहा कि इस प्रक्रिया के शुरू होने से लीज डीड को कानूनी रूप मिल रहा है। वहीं लीज धारकों ने इस बात पर संतोष जताया कि पंजीयन लीज अनुबंध अवधि के समय जमीन के प्रचलित दर से किया गया है। महापौर नीरज पाल ने सेक्टर 5 के डोम शेड में 13 जुलाई से हेल्प डेस्क खोलने की घोषणा की है ताकि लोगों को राहत मिल सके। महापौर नीरज पाल का कहना है कि लीज का पंजीयन होने से हाउस लीज अनुबंध को कानूनी रूप मिल गया है। गौरतलब है कि भिलाई में लीज का मुद्दा लीज धारकों के लिए अनसुलझा बना हुआ था और काफी लंबे समय से लीज धारकों को रजिस्ट्री को लेकर मांग भी रही थी। वहीं भिलाई नगर विधायक ने राज्य के मुखिया से लीज धारकों की पीड़ा को समझते हुए रजिस्ट्री की मांग की थी। वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर व विधायक देवेंद्र यादव की पहल से लीज धारकों को उनका अधिकार मिलने लगा है और 12 जुलाई से इसमें अमलीजामा भी पहनाया जा रहा है। इसी कड़ी में लीज धारक सेक्टर 5 में बने डोम शेड पहुंचे, जहां हेल्प डेस्क लगा लीज धारकों को पंजीयन की सुविधाएं दी जा रही थी। दूसरे दिन भी लीज धारक पंजीयन करने पहुंचे। महापौर नीरज पाल व राजस्व प्रभारी सीजू एंथोनी स्वयं वहां उपस्थित रहकर लीज धारकों को होने वाली दिक्कतों का निराकरण करते नजर आए। महापौर नीरज पाल ने लीज धारकों के मकानों की रजिस्ट्री को लेकर प्रतिक्रिया दी, तो वहीं राजस्व प्रभारी ने भी इस तरह की जानकारी दी और साथ ही राज्य के मुखिया का आभार जताया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि 8 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी जब भिलाई भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान आए थे, उस समय भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव जी ने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात लाई थी कि भिलाई शहर के लोग, जिन लोगों ने 2002 में लीज पे मकान लिए थे, उन 4500 लगभग 4500 लोग हैं, उनकी रजिस्ट्री कुछ एग्रीमेंट की लीज एग्रीमेंट की रजिस्ट्री आज तक नहीं हुई थी। तब उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने भिलाई इस्पात संयंत्र के DIC डायरेक्टर इंचार्ज धर्मदास जी, हमारे जिले के जिलाधीश महोदय, भिलाई नगर निगम के कमिश्नर महोदय, इन सब के भी एक समिति बनाकर इस समस्या का निदान करने के लिए निर्देशित किया था। उसी का परिणाम है कि उसके बाद से लगातार कलेक्ट्रेट में जिलाधीश महोदय की अध्यक्षता में बैठकें होती रही और 17 जून को जाकर इसका एक फाइनल परिणाम है कि आज कल जो है रजिस्ट्री लोगों की शुरू हो सकी है। आज भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लीजधारी जो है अपनी रजिस्ट्री के लिए यहाँ उपस्थित है, उनके पेपर की जांच हो रही है, जो प्रक्रिया है प्रक्रिया का पालन करा कर उनकी रजिस्ट्री कराई जाएगी। देखिए, जो लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं, मैं तो उन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी को एक लंबा समय मिला था इस समस्या का पब्लिक हित में निराकरण करने के लिए, लेकिन वो समस्या के लिए उनका कभी इंटरेस्ट ही नहीं था, उनका कभी ध्यान ही नहीं था कि वो लोगों की समस्या से जुड़े, उनकी समस्या को हल करें। आपने देखा होगा उसके बाद जब कांग्रेस सरकार आई तो लगातार जनहित के कार्य में कांग्रेस की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगे रहे और भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव जी ने इस लंबी एक समस्या जो भिलाई के लोगों की थी, पिछले चुनाव के दौरान भी ये बात आई थी, उस समय उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि इसका निराकरण हम जल्द निकालेंगे और आज आप देख रहे हैं कि उन्होंने जो बोला वो किया। और जहाँ की एक ऐसा डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री के बाद आपके पास है जो कानूनी रूप से जिसको मान्यता है, जो पहले एग्रीमेंट था 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे, उसको 6 महीने के अंदर BSP को रजिस्ट्रेशन कराना था। BSP उस समय लोगों का रजिस्ट्रेशन है, आज की तारीख में उस पेपर की वैल्यू, उस एग्रीमेंट जो था उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन रजिस्टर्ड होने के बाद वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है। 8 तारीख को भेंट मुलाकात हमारे मुख्यमंत्री भिलाई होटल आए थे, उसमें लोगों ने मांग रखी और विधायक देवेंद्र यादव कई साल से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो BSP को जो रजिस्ट्रेशन करना था, जब उनको जरूरत था 100 करोड़ का, तो उन्होंने 100 करोड़ मतलब लीगल बेचा है, वो लोग कहते हैं, बाकी वो लीगल नहीं था उस टाइम, उनको रजिस्ट्री कराना था, डी रजिस्ट्रेशन कराना था, जो कल संभव हो चुका। उसमें हमारे विधायक देवेंद्र यादव, नीरज पाल जी, महापौर, सब लोगों का प्रयास था। लोग यहाँ लोग पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ के BSP के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानकार लोग हैं, नहीं तो इतने लोग जो आए हैं रजिस्ट्री करने के लिए और नहीं आते। और जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट जो मिला आज तक, डॉक्यूमेंट नहीं था, बस ऐसी पेपर था जो मतलब ऑथेंटिक नहीं था। आज ये बोल सकते हैं ये घर मेरा है, रजिस्ट्री हो चुका है करके, और 30 साल बाद ये रिन्यूअल होगा,
प्रॉपर्टी जो है बीएसपी के रिन्यूअल का उसमें एक क्लॉज लगा हुआ है, उस रिन्यूअल को भी ये ऑथेंटिक दिखा सकते हैं, क्योंकि कई लोगों ने 80% लोगों ने उसमें एक्स्ट्रा जो बीएसपी के नॉर्म्स को छोड़ के बनाया हुआ है, तो उसको बीएसपी जब रिन्यूअल के लिए आएगा तब बोला जाएगा कि जो एक्स्ट्रा ब्रेस तोड़ो तब हम उसको रिन्यूअल करेंगे, उससे लोग मतलब वो मिलेगा, उनको फायदा मिलेगा, राजस्व की कोई हानि नहीं होगी। अब इसके बाद निमतीकरण होगा, उसमें राजस्व का जो मिलेगा अपने को सब मिलेगा, शासन को मिलेगा। लीज धारक जो मंच पे बने हेल्प डेस्क के माध्यम से पंजीयन कराने पहुंचे थे, उन लीज धारकों ने भी कहा कि उनका इतने लंबे साल का इंतजार पूरा हुआ है। साथ ही उन्होंने भिलाई महापौर देवेंद्र यादव की पहल का साधुवाद भी किया। हो रही अच्छी है और इससे जो हमारा डीड है रजिस्टर्ड हो जाएगा गवर्नमेंट के साथ में, लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा, इससे कोई मालिकाना हक कभी नहीं मिलेगा, लेकिन आगे प्रोसेस सरल हो जाएगी। मैं 2003 से इसका कोशिश कर रहा था रजिस्ट्री कराने के लिए डीड का, फिर 2017 में भी मैंने कोशिश किया, हुआ नहीं। अब जो किया है हमारे पार्षद ने और हमारे जो महापौर जी ने और हमारे विधायक देवेंद्र यादव जी ने, उनकी पहल बहुत ही अच्छी है, उसके लिए तहे दिल से हम लोग धन्यवाद देते हैं और बस यही चाहते हैं कि भविष्य में भी ये लोग ऐसे ही अच्छे काम करते रहें। धन्यवाद, बहुत ही अच्छे। क्या कहना चाहेंगे? हम इसकी तारीफ करेंगे कि बहुत सारी परेशानियों से और खर्च से बचाया है ये महापौर या विधायक जो जिसका भी अरेंजमेंट है, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। बहुत बढ़िया लगा, बहुत कई सालों का जो इंतजार कर रहे थे वो इच्छा पूरी हो गई। इसमें मेहनत तो सभी लोगों का है और सबको हम लोग धन्यवाद देंगे, चाहे एक सिटी हो चाहे धन्य कोई भी हो अपना जो है। लंबे समय से लीज धारक रजिस्ट्री की बांट जो रहे थे, उनका इंतजार खत्म होने पर उनके चेहरे की खुशी साफ नजर आई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।